दोस्तों, ज्योतिष है अनमोल, यही है सच्चा ज्ञान। ज्योतिष के जरिए ही हम बना सकते हैं अपना जीवन खुशहाल। क्या ये सच है? यही जानने के लिए आज मैं डॉली चोपड़ा बैठी हूँ हमारे जाने माने एस्ट्रोलॉजर के साथ, अजय लूधरा जी के साथ, जो आपको बताएंगे कि क्या एस्ट्रोलॉजी मानना सही है, क्या ये फायदेमंद है या नहीं। तो सर बताइए, क्या एस्ट्रोलॉजी में हमें विश्वास करना चाहिए? डॉली जी नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी एक ज्योतिष का जो एक माध्यम है, ये बेस्ड है एस्ट्रोनॉमी से। एस्ट्रोनॉमी है सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति ग्रह यूनिवर्स में कहाँ घूम रहे हैं। तो अगर हम डे पे विश्वास करते हैं कि आज संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, हमें संडे मंडे ट्यूसडे किसने बताए हैं? ऋषि मुनियों ने। तो संडे मंडे ट्यूसडे अगर बनाए हैं तो उनका कुछ महत्व भी है। तो उन महत्व के संडे आज हमारा स्वभाव कैसा रहेगा? आज हमारा मन खुश है, सोमवार आया मन कुछ उदास है, मंगलवार है मन कुछ उत्तेजित है, बुधवार है मन कुछ प्लानिंग में है, गुरुवार है मन धार्मिक है, शुक्रवार है मन रोमांटिक है, शनिवार है मन परेशान है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, ये है वो। सो अगर हम दिनों को मानते हैं तो हमें ज्योतिष को भी मानना चाहिए। तो क्या इनसे लोगों की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं? जैसे कहा जाता है कि काला धागा डालो आपको नजर नहीं लगेगी जी। तो क्या इन सब चीजों से? ये सब जहाँ ऋषियों मुनियों ने हमें ये ग्रंथ दिया, उस ग्रंथ के साथ साथ हमें उन्होंने उपाय भी दिए, उपचार भी दिए कि अगर किसी व्यक्ति का ये ग्रह खराब है, शनि खराब है, तो उसको नजर लगती है, तो नजर लगती है तो उसको काला धागा पहना दो। तो काला धागा पहन लो, लाल मिर्ची जला के फेंक दो, हरी मिर्ची और नींबू घर के बाहर टांग लो, ये हमारी पुरानी रीति रिवाज है। तो ये पुरानी जो रीति रिवाज है, इनके पीछे लॉजिक है। वो क्या है कि अगर जैसे ही आप कोई उपाय करते हैं तो उस ग्रह की बुरी दृष्टि आपके ऊपर से हट जाती है और आपकी जो एनर्जी है वो खुल के सामने आती है लोगों के। तो उपाय, ये उपाय हैं, ये उपाय कभी गलत नहीं होते। तो जैसा कि कहा जाता है कि शादी से पहले अपने ग्रह मिलाओ, जो लड़की होता है उसको लड़के के साथ उसको ग्रह मिलाने जरूरी होते हैं जी। तो अब ऐसे सिख कम्युनिटी भी है जी। वो लोग जो है वो इतना नहीं मानते इन चीजों को, पर उनकी शादियां भी सफल होती हैं। तो इससे क्या आपका? ये आज के यूथ का बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर रहता है मेरे साथ कि वो कहते हैं कि भैया आप कहते हो कुंडली मिलाओ, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तो मांगलिक नहीं है, तो मैं कहता हूँ मांगलिक से शादी करो, और वो कहते हैं कि भैया सिख फैमिली के हम अंदर हम जाएं, हम उस इज्म को फॉलो करें। तो वहां पर तो ये सब कुछ नहीं मानते। अगर आप भी जन्म कुंडली मिलाए बिना शादी करना चाहते हैं तो आप भी सिख धर्म की तरह पक्के हो जाओ, अपने रूल्स रेगुलेशंस के पक्के हो जाओ। आप जाओ सुबह 4 बजे उसके गुरुद्वारे, आप दो अपनी कमाई से दसवंत बाबा जी को, आपके दुख सारे अपने ऊपर लेंगे वो, आपकी सब परेशानियों का सलूशन करेंगे वो। आप अगर किसी एक को मानते हो तो सबको मानने की जरूरत नहीं है, वो एक को मानते हैं। और जो हमारे भाई बहन जो चाहते हैं कि हम कुंडली भी मिला लें, हम सिखिज्म का भी एग्जाम्पल ले लें, हम उसका भी एग्जाम्पल लें, तो वो खुद अपने आप में डिस्टर्ब है। तो वो खुद डिस्टर्ब रहेंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी ही होगी। सो बात यही है कि एक को मान लो, किसी एक के पांव पकड़ लो, फिर वो जिसको आप मानोगे वो भगवान से आपका निपटारा कराकर आपको हैप्पीनेस दिलवा के ही रहेगा। तो काफी लोगों का कहना है कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो हमें हमारी सफलता के लिए स्टोन्स डलवाते हैं जी। तो क्या उससे क्या मतलब होता है, प्रभाव पड़ता है लोगों के सफलता में? डॉली जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आज के इस बागडोर की दुनिया में, बागडोर के युग में व्यक्ति अपने उपाय मंदिर पाठ पूजा कर्म धर्म उतने नहीं कर पाता। तो जहाँ ऋषि मुनियों ने हमें धर्म मंत्र जाप पाठ पूजा हवन बताए थे, वहां पर उन्होंने भी रिसर्च करके हमें जेम्स और कलर थेरेपी बताई थी। जो व्यक्ति लगातार अपने ग्रहों को ठीक करने का पाठ पूजा मंत्र जप नहीं कर सकता, वो अपने उस ग्रह का रत्न पहनकर उस ग्रह से शुभ प्रभाव ले सकता है। तो जो ग्रह का जो रत्न बनता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह बहुत वीक है और मंगल ग्रह वीक होने से उसके जीवन में बाधाएं मुश्किलें किसी भी प्रकार की आ रही हैं, उसकी हेल्थ इश्यूज रह रहे हैं, उसके परिवार में उसके संबंध ठीक नहीं रहते, तो उस व्यक्ति को मूंगा पहनने के लिए हम कहते हैं। मूंगा जो है वो लाल रंग का होता है, मंगल ग्रह भी लाल रंग का है, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर मंगल ग्रह की अच्छी एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। तो सफेद मोती हो गया, मूंगा हो गया, पन्ना हो गया, पुखराज हो गया, हीरा हो गया, नीलम हो गया, गुमेद, लसुनिया, ये सारे जेम्स ऋषि मुनियों ने ही हमें बताए हैं। तो अगर हम उस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो ये उपचार के माध्यम से आ जाते हैं सामने। दान, जाप, पाठ, पूजा, रतन, ये सही विधि से एस्ट्रोलॉजर्स की सलाह से पहने हो तो कभी व्यर्थ नहीं जाते। ठीक है।
तो एक और क्वेश्चन पूछेंगे सर, जैसे कि लोग नंबर्स को बहुत मानते हैं, जैसे कि 666, 888, तो उसका क्या असर है लोगों पर? प्रत्येक व्यक्ति को एक जन्म कुंडली मिली, जिस समय उसका जन्म हुआ, जिस तारीख को उसका जन्म हुआ, अब जिस तारीख को उसका जन्म हुआ, जिस महीने के नंबर को उसका जन्म हुआ, वो डेट्स उसके लिए लगी। अब वो डेट्स अगर उसके लिए लकी हैं, तो उन नंबरों के अकॉर्डिंग ही उसको व्यक्ति को अपने काम करने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का 20 तारीख का जन्म है, किसी व्यक्ति का 12 तारीख का जन्म है, और 12 तारीख का जो जन्म है, 2 और 1 3, टोटल 3 बना। अब उसके जीवन में जो 3 नंबर के भाग्य के साथ चलते रहेंगे, उस व्यक्ति के ऊपर 3 नंबर हो गया मरकरी प्लैनेट का, और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखे तो हो गया राहु ग्रह का, तो राहु का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा रहेगा। तो नंबरों से भी हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा रहता है कि जैसे किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी अवस्था में है कि ना तो वो रतन पहन सकता है, ऐसी कंट्री में है जहां ना तो वो उसके पास मंदिर गुरुद्वारा है, ना ही वो उपाय कर सकता है, तो नंबरों से भी उपचार हो जाता है। ये सब उपचार के रूप में आते हैं, तो नंबरों से भी उपचार होता है। तो जैसे लोग नई गाड़ी लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है इन सब का। गाड़ी के ऊपर, घर के ऊपर, व्यक्ति के मोबाइल नंबर के ऊपर, व्यक्ति के बैंक अकाउंट नंबर भी मैटर करता है कि अगर उसका अनलकी नंबर अकाउंट के साथ आ गया, तो उसका अकाउंट कभी फुलफिल नहीं देने वाला। अगर उसकी गाड़ी उसके साथ स्टार्स के साथ अनलकी नंबर आ गया, तो उसकी गाड़ी हमेशा उसको डिस्टर्ब करेगी। व्हेनेवर ही सपोज्ड टू गो टू गुड जर्नी, उसको ट्रबल आनी आनी है। तो ऐसा रहता है कि व्यक्ति को अपने साथ अच्छे नंबर, अच्छे रंग, अच्छे कपड़े, कुंडली से अकॉर्डिंग मंत्र जाप उच्चारण साधना रतन, ये सब अपना किस्मत अगर वो चलाक घर से निकलता है, तो उस व्यक्ति के सारे काम पूरे होते हैं। उस व्यक्ति को कभी भी कारोबार में, जॉब में, हैप्पी मैरिड लाइफ में, संतान के प्रति, धन के प्रति चिंता नहीं रहती, अगर व्यक्ति अपने उपचार करके घर से निकल रहे तो। जी, तो एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही पुराने समय से अभी तक चलता आ रहा है, काफी लोग, पुराने जमाने के लोग कहते हैं कि काले कपड़े मत डालो, सफेद कपड़े मत डालो, ये शुभ नहीं है, ये अशुभ है, तो इसका क्या, ये क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है? रंगों के ऊपर बात वही आ गई कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर लिखा है कि इसका शनि वीक है, अगर ये दिन में काला रंग पहनेगा तो इसको दिक्कत होगी, अगर ये रात में काला रंग पहनेगा तो इसका चलेगा। देखिए, अब रंगों की थेरेपी जो है ये सूर्य भगवान के साथ रिलेटेड है। सूर्य भगवान जो है, सूर्य जो सामने रोशनी दे रहे हैं हमें, गर्मी है या सर्दी है, अगर आप सूर्य भगवान के समय, दिन के समय, सुबह 6, 6:30, 7 बजे के आसपास सूर्य पूरी अपनी एनर्जी के अंदर है, और उस समय आप बिल्कुल काले रंग के कपड़े पहन के खड़े हो जाएं, तो आपको खुद को ही इरिटेशन होगी। अगर आप किसी बहुत शांतमय वातावरण में है, तो वहां पर ब्लड रेड कलर के कपड़े पहन के खड़े हो जाएं, तो आपको खुद को ही इरिटेशन होगी। तो रंगों का प्रभाव आपके खुद के मन के ऊपर खुद ब खुद आता है। तो अगर आप रंगों को सही तरीके से वातावरण, देश काल पात्र, मौसम के अनुसार पहने, व्यक्ति को कभी दिक्कत आएगी नहीं। तो ये बुजुर्गों ने हमें बिल्कुल राइट एडवाइस करा था, मानना हमारे हाथ में। तो आप कुछ ऐसी टिप्स लोगों को देना चाहेंगे जिससे उनकी लाइफ अच्छी हो? बिल्कुल, मैं हमेशा टिप्स देता रहता हूँ अपने टीवी चैनल्स पे भी, मुझे आप देखते हैं, हमेशा संडे को लाइव आता हूँ, और भी चैनल्स पे मेरे इंटरव्यूज आते रहते हैं। तो मेरा एक टिप जो मैं हमेशा सबको कहता हूँ, व्यक्ति को अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग दो ग्रहों का खास ध्यान रखना है, वो है साधारण ग्रह, सॉफ्ट ग्रह, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य है आपके पिता, चंद्र है आपकी माता। अपने माता और पिता का आशीर्वाद हमेशा लेते रहो। आपका सूर्य ठीक, आपको दिन में कोई बुरी खबर नहीं आएगी। आपका चंद्रमा ठीक, आपको रात को कोई बुरी खबर नहीं आएगी। आपका सूर्य खुश, आपको दिन भर खुश खबरियां आएंगी। आपका चंद्रमा खुश, आपको रात को भी खुश खबरियां मिलेंगी। सो सूर्य और चंद्र ग्रह, इन दोनों को ठीक करने के एक छोटा सा उपचार बता रहा हूं। सुबह सूर्य का इंतजार करें उगने का, जल्दी उठें, सूर्यमुखी बने, सूर्य को उगते समय देखें, सूर्य को जल दें, अपने पिता से कभी भी वाद विवाद ना करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे प्यार से बात करें, उनसे मिलके उनकी हर बात माने, उनका एक्सपीरियंस लेकर, अपना एक्सपीरियंस लेकर जीवन को आगे चलाएं। चंद्रमा माँ जो होती है, वो व्यक्ति को सोते जागते उठते बैठते हमेशा आशीर्वाद देती है।
तो चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए माँ को हमेशा गले मिलकर प्यार लेकर आशीर्वाद लेकर चले। अपनी माँ से, अपनी माता से 10 किलो चावल सफेद कपड़े में बंधवाकर अपने किसी कैश बॉक्स में, किसी ड्रॉर में, किसी अलमीरा में रखवा लें, जिससे आपके पास धन की बरकत रहेगी। तो ये दो ग्रहों का अगर आप उपाय करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाकी ग्रहों को उपाय जानने के लिए कभी भी फॉलो करें मुझे, आपको जरूर अच्छे से अच्छे उपाय बताए जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू। थैंक यू डॉलर जी। तो ये था हमारा आज का ज्ञान। बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।